नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब पूरा विश्व असमंजस की स्थिति में था, तब भारत ने उसको नहीं रहा दिखाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों की अहम बैठक बुलाकर इस रोग से निपटने की जो पहल की, उसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के दिग्गज नेताओं को भी इसका विचार नहीं आया और मोदी ने एक सार्थक पहल कर दी। पर भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत कर रहे मोदी ने अब इससे भी बड़ा कदम उठा दिया है। उन्होंने दो दिन पूर्व ही सऊदी अरब के प्रिंस से बात की, जिसमें तय हुआ कि सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह G20 के सदस्य देशों को भी एकजुट होकर इस बीमारी से मुकाबला करने की जरूरत है और ऐसी ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता है, जिसमें सदस्य देश मिलकर अपने विचार साझा करें और नई नीतियां बना सके। G20 ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आइडिया स्वीकार करते हुए इस रोग के खिलाफ साझी रणनीति पर विचार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हामी भर दी है। पीएम मोदी जानते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी भारत का रुतबा न केवल बरकरार रखा जा सकता है, बल्कि दुनिया को भारत के पीछे चलने को प्रेरित भी किया जा सकता है। मोदी मुश्किल की घड़ी में भी भारत की विश्व गुरु वाली छवि को निखार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने इस रोग को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए, उसने मोदी की दूरदर्शी सोच और उनकी कार्यप्रणाली ने सभी को भारत का कायल बना दिया है। पूरा विश्व आज अमेरिका, फ्रांस या जापान की तरफ नहीं, भारत की तरफ देख रहा है, जहां 130 करोड़ की आबादी इस रोग को लेकर न हड़बड़ाहट में है और न किसी घबराहट में। G20 का मौजूदा अध्यक्ष सऊदी अरब है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और इस बीमारी से लड़ने के लिए आपसी साझेदारी पर चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। क्राउन प्रिंस ने भी मोदी के इस विचार पर आगे बढ़ने का फैसला किया है और कहा है कि इस संबंध में सऊदी अरब और भारत के अधिकारी करीबी संपर्क में रहेंगे। इस बातचीत के बाद G20 की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें नेताओं का असाधारण सम्मेलन बुलाए जाने का आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि G20 के 20 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका समेत 19 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। यानी इसका मतलब यह है कि भारत इन देशों का अघोषित नेतृत्व करने जा रहा है, वह भी पीएम मोदी जैसे ग्लोबल लीडर की देखरेख में। सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी ने 8 देशों का नेतृत्व किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया था, जिसके बाद सार्क के गरीब देशों को एक नई संजीवनी मिली है। परंतु इसके ठीक उलट नोबेल पुरस्कार की ताल पर थिरक रहे इमरान आज भीख का कटोरा उठाए घूम रहे हैं। यह दुनिया का पहला यूटर्न लीडर है जिसने अपने अवाम को साफ कह दिया है कि इस वायरस से लड़ने की ताकत उनमें नहीं है। देश की हालत खस्ता है, उनके पास ना मेडिकल सर्विस है और ना डॉक्टर। स्थिति यह है कि पूरा पाकिस्तान धार्मिक गुरुओं के हवाले किया जा रहा है, ताकि कलमे पढ़कर और कुरान गाकर अवाम को बचाया जा सके। मजे की बात यह है कि जब दुनिया के नेता अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सख्त फैसले ले रहे हैं, इमरान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति चीन के दरवाजे पर भीख का कटोरा लिए हाजिरी दे रहे हैं, हालांकि उन्हें वहां से वादे के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान चीन की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। उसको लगता है कि चीन से उसको इस बीमारी से लड़ने में मदद मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे कर्ज के लिए विश्व बैंक के आगे भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अमीर देशों से जकात मांगी जा रही है, यानी नया पाकिस्तान केवल बकलोलिस्तान बनकर रह गया है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस महामारी का सबसे बड़ा शिकार हो सकता है, क्योंकि इमरान सरकार इसके विस्तार को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। लोग घबराए हुए हैं और गुस्से में हैं, जबकि इमरान खान घबराना नहीं बोलकर काम चला रहे हैं। इसके तर भारत के प्रयासों की दुनिया भर में सराहना हो रही है, खासतौर से भारत द्वारा देश भर में बनाए गए क्वारंटाइन की सुविधाओं को लेकर भारत सबसे ज्यादा चर्चा में है।
लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी शानदार व्यवस्था मोदी सरकार ने इतने कम समय में कैसे और कब कर दी। भारत के विपक्षी दलों को भी इस मामले में मोदी की प्रशंसा करने को मजबूर होना पड़ा है, यानी पीएम मोदी का जलवा पूरी दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।